नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश शिष्ट और आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी चैप्टर 5 पार्ट 2 यूजिंग द कैमरा ऑपरेट कैमरा ड्यूरिंग शूट। आइए शुरू करते हैं। ऑटो फोकस। बहुत सारे वीडियो कैमरास ऑटो फोकस करने वाली विशेषता के साथ फिट होते हैं। इस तरह के उपयोगी उपकरण उन मौक़ों के लिए ज़्यादा कारगर होते हैं जब कैमरा ऑपरेटर किसी एक्शन को फॉलो कर रहा होता है। तब उसे ये पता नहीं होता कि जो सब्जेक्ट है अगले शॉट में या नेक्स्ट मोमेंट में वो क्या करेगा। मतलब जिस सब्जेक्ट को कैमरा ऑपरेटर फोकस में रख रहा है उसको ये नहीं पता होता कि ये सब्जेक्ट अगले पल कहाँ मूव कर जाएगा, तो उस हीट मोमेंट में हो सकता है उसका फोकस गलत हो जाए या फोकस कहीं और शिफ्ट हो जाए। उस समय ऑटो फोकस की टेक्निक ज़्यादा कारगर हो सकती है। फिर सवाल यहाँ ये उठता है कि क्यों ना ऑटो फोकस को हमेशा के लिए स्विच ऑन कर दिया जाए, हमेशा चालू रखा जाए। मतलब ये कि अगर फोकस पे खुद का ध्यान कहीं हट भी जाए तो भी शॉट पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। अगर कैमरा ऑपरेटर हर समय कैमरे के ऑटो फोकस फीचर पर ही डिपेंड रहेगा, निर्भर करेगा, इसके परिणाम स्वरूप जो इमेज आएगी वो बहुत ज़्यादा कुछ अलग ही होगी। क्योंकि जो ऑटो फोकस होता है वो साधारणता सिलेक्टिव जोन जो होता है, जो हमने एक जोन जो चुना होता है एक शॉट का, सिर्फ उसे ही फोकस करता है, उसे ही शार्प करता है बिना ख्याल किए ये कि यहाँ क्या होना चाहिए, बिना ध्यान रखे कि वो क्या दिखा रहा है, क्या कर रहा है। कई बार ऑटो फोकस चेक यानी स्वयं फोकस जांच भी शामिल होती है, जो मैनुअल मोड में रहते हुए भी स्वयं फोकस की जांच कर सकती है। यहाँ कुछ फजी लॉजिक सर्किट्स होते हैं, मतलब अस्पष्ट सर्किट होते हैं जो ऑटो फोकस को रीएडजस्ट दोबारा से एडजस्ट करते हैं। तब जब सब्जेक्ट घूम रहा हो या शॉट बदल रहा होता है तब। यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे हैं जो ऑटो फोकस सिस्टम की तरफ अप्रोच करते हैं, पहुँच करते हैं। इनमें शामिल है इन्फ्रारेड सिस्टम, अल्ट्रासोनिक पियाजो कंट्रोल और है डिजिटल AL, ऑटो ट्रैकिंग, फजी लॉजिक और आई बाल फोकस सिस्टम। और इन सब सिस्टम में कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जबकि ऑटो फोकस सिस्टम में कौन सी खास स्पेसिफिक जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है उनको जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कैमरे के सिस्टम की जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल लिमिटेशन सीमाएं हैं उनको जानना महत्वपूर्ण है जब वो स्वयं फोकस करने के लिए निर्भर होते हैं। इंफ्रारेड और IR सिस्टम। इंफ्रारेड सिस्टम IR लाइट का एक बर्स्ट फेंकता है जो नज़दीक के किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराकर रिफ्लेक्ट होता है, जिसको IR सेंसर डिटेक्ट कर लेता है, खोज लेता है, पकड़ लेता है। सर्किट रिटर्न बीम की त्रिकोण में व्याख्या करते हुए लेंस फोकस को व्यवस्थित करता है। अल्ट्रासोनिक या पाइजो सिस्टम।
इसमें सिस्टम क्या करता है कि एक इनऑडिबल साउंड की शॉर्ट बीम भेजता है और वो टकरा के जब तक वो वापस आती है, इस बीच का जो टाइम है वो सिस्टम नोट कर लेता है। और जो सर्किट है वो डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है और उसी के हिसाब से लेंस को एडजस्ट कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो वीडियो संकेत की जांच करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लेंस फोकस को व्यवस्थित करता है, जिससे कि जो पिक्चर है उसमें शार्पनेस आ जाए। और ये कैसे आती है, ये जो वीडियो सिग्नल चेक करता है उसमें कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और उसमें कंट्रास्ट कितना है, और ये जैसे ही गिरती है पिक्चर डिफोकस हो जाती है। इनमें से हर मेथड ज़्यादातर अच्छा ही काम करेगा, पर कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो इसका रिजल्ट है, जो इसका नतीजा है, वो अनसेटिस्फैक्ट्री आता है, असंतुष्ट आता है। जो अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के ऑटो फोकस सिस्टम हैं वो आपको मूर्ख बना सकते हैं। वो कैसे, कभी तो वो सब्जेक्ट के साथ और कभी वो आपको ऐसी कंडीशन के साथ जिसमें वो आपको गलत नतीजे देंगे। यहाँ हम आपको कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बताते हैं जिसमें ऑटो फोकस करना मुश्किलों भरा हो सकता है। एक तब जब जो सब्जेक्ट है वो पिक्चर के सेंटर में ना हो, मतलब सब्जेक्ट पिक्चर के केंद्र में ना हो तब। और अगर दो लोग पिक्चर में फ्रेम के दो अलग अलग साइड में खड़े हों तब। उसमें शायद ऑटो फोकस ये करेगा कि जो पिक्चर का केंद्र का हिस्सा है, जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, एक अलग सा ऑब्जेक्ट है, उसको तो शार्प फोकस कर दे, और इसके अलावा जो बाकी का इमेज का हिस्सा है उसको सॉफ्ट फोकस कर दे। कैमरा ऑपरेटर कई बार ये भी चाह सकता है कि जो कैमरे के नज़दीक खड़ा बंदा है उस पर और एक जो दूर खड़ा है उससे, इन दोनों पर एक ही टाइम पर फोकस करे। तब हो सकता है कि ऑटो फोकस ये करे कि कभी किसी एक को या फिर दूसरे को या किसी को भी ना फोकस करे। यदि हम किसी ऐसे सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं जिसके फोरग्राउंड में एक फ्रेमवर्क है, या दीवार कह लो या शाखाएं हैं या पत्तियां हैं पेड़ की, तो हो सकता है कि जो दूर खड़ा आपका सब्जेक्ट है ऑटो फोकस उस पर फोकस ना करके जो नज़दीक में है, फोरग्राउंड में है, उसी को फोकस करे। यदि कैमरा ऑपरेटर किसी का पीछा कर रहा है जो कि इधर उधर घूम रहा है या कभी भीड़ में जा रहा है, तो ऑटो फोकस को बार बार उसको बदलना पड़ रहा है, तो यहाँ ऑटो फोकस ये भी कर सकता है कि जो उसके पास का बंदा है या पास की जो भी शय चीज़ है उस पर फोकस करे, रादर देन इससे बनस्पत ये कि वो सब्जेक्ट पर फोकस करे। यदि कैमरा ऑपरेटर शॉट के साइज़ को बदलने के लिए जूम करे, तो यहाँ ऑटो फोकस सिस्टम ये कर सकता है कि वो रीफोकस करेगा कि जैसे जो शॉट है वो रिकम्पोज्ड हो रहा हो। यदि कैमरा ऑपरेटर एक दूरी से किसी पर शूट कर रहा हो, तो इसी बीच अगर कैमरे के नज़दीक कोई आ जाए, तो कैमरा ऑटो फोकस सिस्टम उस वक्त जो सेकेंडरी है सब्जेक्ट उस पर रीफोकस करने की बजाय, हो सकता है कि जो उसका मेन सब्जेक्ट है उसे ही डिफोकस कर दे।
उदाहरण के तौर पर कैमरा ऑपरेटर पैन कर रहा है एक सीन में और फोरग्राउंड से जो एक पेड़ है उसके पिछले हिस्से पे आ जाता है, तब सिस्टम जो है वो हो सकता है कि अपने आप को रीएडजस्ट करे जिससे वो पेड़ पर फोकस कर सके। कई बार ऐसा समय भी आ सकता है कि जो सब्जेक्ट के पीछे की बैकग्राउंड है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकती है या इंटरेस्टिव, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बिना आज्ञा लिए ही अंदर की तरफ आना चाहे, एक एम्बिगुअस फोकसिंग के कारण, एक अस्पष्ट तरह की फोकसिंग के कारण। जब कभी आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, सबसे अच्छा समाधान यही है कि मैनुअल फोकसिंग करो ताजो ऐसी मुसीबतों से दूर रहा जा सके। जब कभी समझदारी से काम लिया जाए तो स्वयं फोकस, ऑटो फोकस एक अच्छा टूल साबित हो सकता है। डेप्थ ऑफ फील्ड, डेप्थ ऑफ फील्ड यानी किसी क्षेत्र की गहराई, या फोकस जोन मतलब केंद्रित जोन। आमतौर पे सबसे नज़दीक और सबसे दूर वाला ऑब्जेक्ट जो फोकस में है इसके बीच की जो दूरी को डेप्थ ऑफ फील्ड कहा जाता है। जब आप कुछ दूरी से शूट कर रहे हो तो हर चीज़ स्पष्ट फोकस में नज़र आ रही होती है, पर जैसे ही आप लेंस को रीफोकस करके कुछ गज या कुछ फीट दूर पड़ी हुई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हो तो बहुत ही सीमित मात्रा में जो शूट है वो आपको सही में फोकस में नज़र आता है। अभी आप ऐसी चीज़ को शूट करो जो कि कैमरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में है, आप देखोगे कि जो शार्पनेस है, जो फोकस में तीखापन है, वो बहुत ही छोटे से क्षेत्र पर सीमित हो जाता है और शैलोनेस आ जाती है, शैलो जोन आ जाता है, उधर छिछला सा क्षेत्र आपको दिखाई देता है। व्हाट इज मैक्सिमम शार्पनेस? बेशक ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि तस्वीर में रखी हर चीज़ जितनी हो सके वो शार्प दिखाई दे। ये कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जब डायरेक्टर चाहता है कि तस्वीर में रखी हुई हर चीज़ साफ दिखाई दे, फोकस में दिखाई दे, जैसे कि वो एक खुली हुई प्रक्रिया, एक व्यापक क्रिया, वाइड स्प्रेड एक्शन दिखाना चाहता है बाल गेम का, या फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल्डिंग की प्रेजेंटेशन देना चाहता है। एक उदाहरण ये भी हो सकती है कि जब एक डायरेक्टर शॉट में डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाना चाहता हो, उसमें एक पर्सन जो है वो कैमरे के नज़दीक में है और एक पर्सन वो कुछ दूरी पर है, पर दोनों ही शार्पली फोकस में है, तब इसमें कैमरा ऑपरेटर वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके जो लाइट लेवल परमिट्स हैं उनको स्टॉप डाउन करने के लिए, रोकने के लिए। हालांकि कई बार कहीं ऐसा समय भी आ सकता है कि जब डॉक्टर ये चाह रहा हो कि दर्शकों में बैठे हुए किसी खास सब्जेक्ट या व्यक्ति विशेष के ऊपर आप फोकस करो और उसके आसपास जो उसकी सराउंडिंग में बैठे हुए हैं उनको आप डिफोकस करो, उनको अवॉइड करो, उनको नज़रअंदाज करो। ये सब किया जा सकता है डेलिबरेटली सीधे तौर पर, या तो फील्ड की गहराई कम करके उसको सीमित करके, या फिर बड़े लेंस अपर्चर को इस्तेमाल करके, या फिर नैरो लेंस एंगल के साथ, बहुत ही तंग संकीर्ण लेंस एंगल के साथ। अब डेप्थ ऑफ फील्ड के कारण
जो सब्जेक्ट है डी फोकस बैकग्राउंड के विरुद्ध आपको शार्प दिखाई देगा। जहाँ कहीं भी कुछ उलझने या कुछ डिस्ट्रैक्ट करने वाला आपको दिखाई दे रहा हो, उसको इनडिस्टिंक्ट जो ब्लर है उसके साथ मर्ज किया जा सकता है, मतलब बाकी की कमी पेशी धुंधले से ब्लर के साथ मिटाई जा सकती है। डिफ़िकल्ट टू फोकस। कई बार पूरे सब्जेक्ट के ऊपर स्पष्ट तौर पर जो फोकस करने के लिए डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए होती है वो नाकाफ़ी होती है, इनसफिशिएंट होती है या कम होती है। क्लोजअप शॉट्स लेने के दौरान ये समस्या ख़ास तौर पर आती है। तब लेंस को स्टॉप डाउन करने के बाद इसमें ज़रूर कुछ मदद मिलती है। इस हालात में वहाँ इमेज भी अंडर एक्सपोज के बगैर चाहिए और वहाँ लाइट भी पर्याप्त नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अगर वहाँ रोशनी का जो लेवल है उसको बढ़ाना असंभव हो तब कोई क्या कर सकता है? तब इन हालातों में बहुत सारे कंप्रोमाइज सॉल्यूशन उपलब्ध होते हैं। यहाँ विनती ये है कि जो वर्ड कंप्रोमाइज है इसको नोट कर लें। कंप्रोमाइज मतलब हमें समझौता करना पड़ेगा क्वालिटी के साथ। दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि जो नतीजा है वो हमेशा सर्वोत्तम नहीं होगा। एक तरीका ये हो सकता है कि विषय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को फोकस में लाया जाए और बाकी का जो हिस्सा है उसको छोड़ दिया जाए। हालांकि ये स्थिति आदर्श नहीं है, ये केवल दर्शक को वो बताने का तरीका है कि जो आप चाहते हो कि वो देखे। इसमें संभव ये है कि फोकस स्प्लिट करें, फोकस को थोड़ा बांटें और एक जो फोकस के लिए कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है, उसको रखें कि वो दूरी रखें जिसमें फोकस भी ज़्यादा ना छूटे, फोकस रहे और जो सब्जेक्ट है वो भी सारे का सारा फोकस में रहे। कई बार पुल फोकस या थ्रो फोकस ये उपयुक्त होता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि दो लोग हैं जिन पर शूट हो रहा है और वो अलग अलग दूरी पर खड़े हैं कैमरे से और ये संभव ही नहीं है कि उन दोनों को शार्प फोकस में रखा जा सके। यहाँ जो कैमरा ऑपरेटर है वो फोकस ऑन करने के बाद पहले पर्सन पर जाएगा, वहाँ थोड़ा मोमेंट रुकने के बाद वो फोकस चेंज करेगा, फिर वो दूसरे पर्सन पर शार्प फोकस करेगा। ये जो मेथड है, ये जो विधि है, ये सफलतापूर्वक ऑडियंस का जो ध्यान है, उसकी जो अटेंशन है, उसको निर्देश देती है और इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ड्रामेटिक होता है। ये जो टेक्निक है इसको सही मौके के लिए रिजर्व रखना चाहिए, आरक्षित रखना चाहिए। आदर्शक तौर पर इस स्थिति को और सुधारा जा सकता है। एक तो हम जिसमें सब्जेक्ट को थोड़ा मूव करा सकते हैं या फिर जो कैमरे की जो पोजीशन है उसको थोड़ा अल्टर करके बदल दें जिससे ये दोनों कैमरे से एक समान दूरी में और डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर रहें। प्री फोकसिंग द जूम लेंस। जूम लेंस जो है वो एक क्रिएटिव कैमरा ऑपरेटर के लिए अच्छा टूल है पर एक अनाड़ी के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकता है।
एक फास्ट मूविंग एक्शन को एक तेजी से चल रहे घटनाक्रम को जब फॉलो किया जाता है तो एक कैमरा ऑपरेटर बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर सकता है। प्री फोकसिंग द जूम। अगर जूम लेंस सब्जेक्ट के ऊपर पहले से प्री फोकस नहीं किया गया होगा जूमिंग इन करके क्लोजअप शॉट के लिए, तो जब हम जूम करेंगे लॉन्ग शॉट से क्लोजअप की तरफ जाएंगे तो जो पिक्चर है वो डी फोकस हो जाएगी। यहाँ जो लॉन्ग शॉट है वो हो सकता है एकदम परफेक्टली फोकस में रहे, जबकि ये वाइड एंगल लेंस द्वारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड तैयार की गई है ये उसके कारण हो रहा है। जैसे ही लेंस टेलीफोटो में जूम करता है तो जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और तब ये संभव है कि जो शॉट है वो आउट ऑफ फोकस हो जाए। जूम शॉट को फोकस में रखने का सबसे बढ़िया ढंग ये है कि सब्जेक्ट को नज़दीक से जूम इन करना, उसके बाद फोकस करना, फिर जूम आउट करना। अब ये कैमरा ऑपरेटर को हर चीज़ को फोकस में रखते हुए जूम इन और जूम आउट करने देगा। फोकस करना बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत नाजुक होता है, ख़ासकर तब जब प्रोडक्शन ड्रामेटिक हो, नाटकीय हो। एक जो फोकस पुलर होता है वो अक्सर फोकस को एडजस्ट करने में, व्यवस्थित करने में ही व्यस्त रहता है। इससे क्या होता है कि जो कैमरा ऑपरेटर है वो अब फ्रेमिंग पर कंसंट्रेट कर सकता है, ध्यान लगा सकता है। कैमरा एडजस्टमेंट्स। निर्माता कैमरे का एक डिफ़ॉल्ट तैयार करते हैं जो कैमरा ऑपरेटर को एक सबसे जो बढ़िया औसत सेटिंग होती है वो प्रदान करते हैं। आमतौर पे ये जो सेटिंग होती है एक अच्छी इमेज प्रदान करती है, हालांकि कुछ व्यवस्थाएं करके बहुत ही बढ़िया इमेज प्राप्त की जा सकती हैं। किसी तस्वीर की गुणवत्ता के जो हम पर प्रभाव हैं वो बहुत ही व्यक्तिगत हैं, बहुत ही निजी हैं। यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है कि अक्सर हमें वो तस्वीर जो थोड़ी सी वार्म हो, थोड़ी सी गर्म दिखाई दे, हम उसको प्रेफर करते हैं, वो हमें अच्छी लगती है, हम उसको तरजीह देते हैं, या जिसमें असली तस्वीर से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कंट्रास्ट दे दिया गया हो वो हमें अच्छी लगती है। जो सबसे आम कैमरा एडजस्टमेंट है जो लेंस के साथ संबंध रखती हैं वो है फोकस, लेंस अपर्चर, शटर, वीडियो गेन और वाइट बैलेंस। ये जो चेंजेस हैं, ये जो बदलाव है, ये आमतौर पर पूरा किया जा सकता है कैमरा या कैमरा यूनिट के साथ मिलकर। कुछ सीमाओं के अंदर रह के लगभग सभी जो ये एरिया है, जो क्षेत्र हैं, उनको एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। जो इमेज क्वालिटी है उसको बदलने के बहुत सारे रास्ते हैं, फिर वो चाहे एक ख़ास कोई शॉट हो या फिर पूरा का पूरा सीन हो। शार्पनेस यानी तीखापन, इसको भी व्यवस्थित किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है, थोड़ा इसको मैनिपुलेट करके, हेर फेर करके इसमें, और कुछ इसको
स्पेशल इफेक्ट फिल्टर लगा के भी शार्पनेस को अनुकूल बनाया जा सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो स्पेशल इफेक्ट फिल्टर्स हैं उसमें मिस्ट है जिसको धुंध कहते हैं, और सॉफ्ट फोकस है जिसको नरम फोकस कहते हैं, उसके बाद रिपल है आदि इत्यादि। ब्राइटनेस या चमक, ये लेंस अपर्चर के साथ या फिर वीडियो गेन के साथ व्यवस्थित की जा सकती है। वाइट बैलेंस करने के लिए वाइट कार्ड की बजाय ब्लू कार्ड का इस्तेमाल करें। इस तरह भी जो कलर बैलेंस प्रोसेस है, जो रंग संतुलन प्रक्रिया है, उसको किया जा सकता है। हैंडलिंग द कैमरा, पैनिंग एंड टिल्टिंग। यदि किसी सब्जेक्ट को पूरी तरह दिखाना या उसका वाइड शॉट भरपूर मात्रा में लेना संभव ना हो और उसी सब्जेक्ट की किसी अलग से दूरी बना के लिए गए शॉट में भी पूरी डिटेल ना आए, पूरा वेरवा ना आए, तो हमारे पास उसके दो जर्नल सॉल्यूशन हैं, दो किस्म के हल हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि हम उसके अलग अलग शॉट्स लें सीरीज़ में, एक लड़ीबद्ध तरीके से अलग अलग काफ़ी ज़्यादा शॉट लें, जिसको ओवरऑल एक ऐसी तस्वीर बनाएं एडिट के बाद कि जो दर्शक के दिमाग में बैठ जाए। हालांकि जब एक सीक्वेंस, एक तरतीब विकसित हो रही होती है, तब उसमें जो बेतरतीब चीज़ें लगी हों, जो बेतरतीब इमेजेस हों, या बिना सोचे समझे एक इमेज को दूसरे इमेज के साथ जोड़ना बदलना, वो नहीं करना चाहिए। इसका बदल ये ज़रूर हो सकता है कि आप कैमरे को ही पैन कर लें, टिल्ट कर लें, थोड़ा घुमा लें या ऊपर और नीचे झुका लें सावधानी के साथ, और बड़े सिस्टमेटिकली उस सीन के ऊपर, जिससे उसके जो बहुत सारे हिस्से पार्ट्स हैं इमेज के, सीन के, वो आपस में लड़ीबद्ध तरीके से जुड़ते हुए नज़र आएं। यहाँ पैनिंग करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो छोटी छोटी सीरीज़ हैं बगैर सोचे समझे जो पैनिंग करते हैं वो नहीं करनी है, और जो अगर पैनिंग लंबी कर रहे हैं और बिल्कुल खाली पैनिंग है, कुछ उसमें अच्छी चीज़ें नहीं शूट कर रहे हैं जो उस सीक्वेंस में जुड़ती हैं, वो नहीं करना चाहिए। और अगर पैनिंग कर रहे हैं तो उसमें महत्वहीन चीज़ें जो उस सीक्वेंस में जुड़ नहीं रही हैं, उनको शूट नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर पैनिंग करते हैं तो उसका एक पर्पस होता है, एक मंतव होता है, और जब उसको आगे बढ़ाते हैं, फिनिशिंग किया जाता है, तो तब उसमें उस सीन का एक इंटरेस्टिंग फीचर ज़रूर होना चाहिए। अंततः जो पैनिंग है वो एक तरफ से दूसरी तरफ सीन के ऊपर करने से बचना चाहिए, जबकि एक बड़ा प्रलोभन, एक ग्रेट टेम्पटेशन तो हो सकती है, पर जब आप इनके नतीजों को देखोगे तो आप इन सीक्वेंस को देखना पसंद नहीं करोगे। बाकी के कैमरा वर्क की तरह जो पैनिंग और टिल्टिंग है, ये भी निर्विघ्न और नियंत्रित होनी चाहिए। इन सबके ऊपर एक बात, ओवरशूटिंग से परहेज़ करें। जैसे कि फाइनल पॉइंट है, अंतरिम जो बिंदु है, उसके पार जाने के बाद शॉट को सही करने के लिए उसको रिवर्सिंग पे लाना और फिर थोड़ा पैनिंग करना, इससे गलती की तरफ ध्यान जाएगा। आदर्श तौर पर एक जो मूव है उसका जो अंत है वो निर्विघ्न होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। अगर पैनिंग की शुरुआत झरकी है, एक झटके के साथ वो शुरू हो रही है, और जो ख़त्म हो रही है वो हेजिटेंट है, हिचकचाहट के साथ ख़त्म हो रही है,
और जो उसकी स्पीड है वो अनइवन है, मतलब एक समान नहीं है, और जो वो वेव अप कर रहा है, कभी डाउन कर रहा है कभी अप कर रहा है, और उसके बाद जो इसकी फाइनल प्रोडक्शन आएगी ना वो बहुत ही एक क्रूड लुक देगी, बहुत ही कच्ची किस्म की होगी, मतलब प्रोडक्शन प्रोफेशनल दिखाई नहीं देगी।